हेलो, मेरी आवाज आ रही है? वेयर आर यू ऑल? अरफान नदीम, वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है अरफा? आई एम फाइन समरा सुलेमान गौरी एंड अरफान नदीम, आई एम ओके। सो आवर टॉपिक इज टुडे अपलोड, लेट मी अपलोड। गुड आफ्टरनून शानजा, कैसी हो आप? सारे ठीक हो? अब हमारा जो लेक्चर है वो है नर्सिंग थ्योरी का है। नर्सिंग थ्योरी ने जहाँ से हमें छोड़ा था, कैन एनी बॉडी टेल मी डेट वेयर वी लेफ्ट द नर्सिंग थ्योरी लेक्चर्स, व्हाट वाज आवर लास्ट स्लाइड? So nobody is telling me what was our topic. As I asked you people that share with me what was our last slides and where we left. Not remember? हमने टाइप ऑफ नर्सिंग थ्योरीज पढ़ लिया था। हमने ये भी देखा था कि व्हाई ऑन अर्थ डू वी स्टडी नर्सिंग थ्योरी, हम जमीन पर नर्सिंग थ्योरी क्यों स्टडी करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज अपने थ्योरी लिंक एजुकेशन प्रैक्टिस एंड लिंक ये कैसे करती है, फिर हाउ डज थ्योरी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस हेल्प यू कैसे करती है, फाइव क्विक स्टेप फॉर चूजिंग द नर्सिंग थ्योरी, किस तरीके से चूजिंग अ थ्योरी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, सो हाउ डू नर्सिस यूज थ्योरी इन एवरीडे प्रैक्टिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज। हमने ये सारे चारों पाँचों पॉइंट कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना था व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर द नर्सिंग प्रैक्टिस, कौन सा किस तरह का नॉलेज हमें चाहिए होता है टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रैक्टिस, एंड व्हाट डज इट मीन टू बी प्रैक्टिस नर्सिंग। एज आई टू टाइम आई टोल्ड यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, कि थ्योरी क्या है, इसमें कितने जो है कॉन्सेप्ट होते हैं, डेफिनेशन होती हैं, अजम्पशंस होती हैं एंड फिनोमेना, तो बिकॉज इट्स अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, तो सेट ऑफ कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें आती हैं। पैराडाइम क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था, डोमेन क्या है, कि किसी भी प्रोफेशंस को प्रैक्टिस करने के लिए उसका जो एक डोमेन एरिया ऑफ प्रैक्टिस होती है जिसमें हम
उस थ्योरी को और डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो डोमेन ऑफ नर्सिंग क्या थे, फिर हमने ये भी लर्न किया था डोमेन ऑफ नर्सिंग क्या है। डोमेन जब हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं तो नर्सिंग थ्योरीज के मॉडल में हम जो है इन चारों मॉडल्स को यूज करते हैं। तो बहुत शोर कर रहा है, सब हम देखेंगे कि जो है नर्सिंग जो है नर्सिंग जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो किस चीज़ पे प्रैक्टिस थ्योरीज को किसके से हम उसका क्या मॉडल है, क्या डोमेन है, किसमें हम नर्सिंग को थ्योरीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो पर्सन, क्लाइंट, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग के डोमेन में जो है हम नर्सिंग थ्योरी को प्रैक्टिस करते हैं। पर्पज ऑफ नर्सिंग थ्योरी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये क्या करती हैं, प्रैक्टिस गाइड करती हैं, प्रैक्टिस को नॉलेज को जनरेट करती हैं, ठीक है, इस तरह से पढ़ा था। फिर हमने थ्योरी टाइप ऑफ थ्योरीज पढ़ी थी जिसमें ग्रैंड थ्योरी है, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे हमने बड़े मेजर जो साइकोलॉजिस्ट है उनके और एजुकेशनिस्ट की थ्योरी पढ़ी थी, और नर्सिंग में ग्रैंड थ्योरिस्ट कौन है, जैसे जीन वॉटसन है, हैंडरसन है, पैपलियो लेवन, पैपलियो हेल्डिगार्डी, पैपलियो है, लेवन वॉटसन है, ये सारे थ्योरिस्ट हैं, इनकी थ्योरी जो है एज ए ग्रैंड थ्योरिस्ट कंसिडर किया जाता है। मिडल रेंज थ्योरी वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं लिमिटेड स्कोप है जिसको हम प्रैक्टिस बेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस में हम उसके जो क्या करते हैं टेस्ट जनरेट द टेस्ट इसके करते हैं और उस पर रिसर्च करके अपनी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मिडल रेंज थ्योरीज कहते हैं। सो अगर हम देखा जाए तो नर्सिंग में है पैपलियो थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज द मिडल रेंज डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन थ्योरी, ठीक है, और लैंडो की थ्योरी आ जाती है और पैपलियो की थ्योरी आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज जो होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट प्रोपोजिशन दैट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब समथिंग, जिसमें हम किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सो ये जो थ्योरी फॉर मोस्टली हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ये ऑब्जर्वेशंस करते हैं असेसमेंट में, और हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं असेसमेंट में और जो है नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो होती है किसी भी सिचुएशंस के लिए जो हम डायरेक्टली गोल को, जैसे नर्सिंग में हम जो यूज़ करते हैं ये सिचुएशन प्रोड्यूसिंग थ्योरी होती है, ठीक है, जिसमें हम एक्शंस को एक्सप्लिसिट गोल को अचीव करने के लिए जो हम करते हैं, जैसे उसने कहा सेंट्रल पर्पस का नर्सिंग फिलॉसफी और एसेंशियल टू द पर्टिकुलर डिसिप्लिन जो है उसको प्रैक्टिस करने के लिए जिस थ्योरी का हम यूज़ करते हैं। तो हम ये देखा था कि व्हाई और नॉट वी स्टडी नर्सिंग थ्योरी, क्यों करते हैं, ताकि हम अपने नॉलेज को अपने अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें, नॉलेज को एनहेंस कर सकें, ठीक है, और जो इसका अपना थ्योरी हेल्प टू रीफ्रेम आवर थिंकिंग अबाउट नर्सिंग के आइडिया और टेक्निक्स, हमें ये गाइड करती है थ्योरीज जो है, ठीक है, ताकि हम जो है गैप फुलफिल कर थ्रू थ्योरी एंड रिसर्च के जरिए जो है गैप को क्लोज कर सकें और अपनी पोटेंशियल अपनी पोटेंशियलिटीज को इंक्रीज कर सकें। ये हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि सो हाउ डू नर्सेज यूज द थ्योरी इन एवरीडे प्रैक्टिस में, वो क्यों करती हैं, क्या क्या उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ये एज ए प्लस हमें एज ए नर्स अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग स्टूडेंट है वो टेक द कोर्स, हमें इसका कोर्स लेना चाहिए और मास्टरल डिग्री पे और डॉक्टरल डिग्री पे भी इसके एडवांस कोर्सेज होना चाहिए, ताकि इसका जो है जो थ्योरी का जो नॉलेज है वो उसको हम प्रैक्टिस कर सकें। सो देर इज़ अ रीज़न फॉर लर्निंग अबाउट थ्योरी, क्या ये रीज़न है, क्योंकि हम कहाँ पर काम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बेड साइड पर करते हैं, क्लिनिक में करते हैं, कम्युनिटी में करते हैं, क्लास रूम और मीटिंग्स जो हम हेड करते हैं, इफ़ यू वी हैव डोंट हैव नॉलेज तो हम अपने आइडियाज़ और अपने जो है जो गैप है उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, इसलिए हम उस पर बात नहीं कर सकेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और एज अ बींग थ्योरी के मॉडल से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये कैसे रिसर्च किए हमने जो है इसको भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। चूजिंग अ थ्योरी फॉर प्रैक्टिस कैन बी चैलेंजिंग बिकॉज देर इज अ सो मेनी थ्योरीज फॉर विच टू चूज, सो ये भी एक चैलेंज है, इसलिए चैलेंजिंग इसलिए कि बहुत सारी थ्योरीज है, अगर आपको उसका राइट नॉलेज नहीं है तो यू विल नेवर नो कि विच थ्योरी इज द बेस्ट इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में कौन सी थ्योरी बेस्ट है।
फिर हम बात करते हैं कि ये जो है योर चॉइस ऑफ थ्योरी दैट विल फिट बेस्ट विद योर पर्सनल नर्सिंग प्रैक्टिस विल डिपेंड ऑन योर पर्पस फॉर नर्सिंग यूजिंग द थ्योरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, इम्प्रूविंग द सिस्टम और प्रोसेस फ्रेम और रिसर्च स्टडी और टू एजुकेट पेशेंट और स्टूडेंट। इसकी रिसर्च में और जो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी जो है, ये तीनों चीज चारों चीजें जो लिंक करती हैं विद ईच अदर, थ्योरी रिसर्च एजुकेशन और प्रैक्टिस आर लिंक्ड है। जैसे हमने पढ़ा था विदाउट थ्योरी जो है वो नॉलेज, हमने देखा कि थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस एम्प्टी है। सो हमने यहाँ से देखा था कि हाउ डज अ थ्योरी नर्सिंग फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस हेल्प यू, किस तरीके से देयर इज अ लॉट ऑफ नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग थ्योरीज आउट देयर फॉर यू टू चूज फ्रॉम। रिमेंबर दैट द थ्योरी विल हेल्प टू गाइड यू इन हाउ टू एंड विच डाटा यू शुड बी कलेक्टिंग, डिसाइड हाउ यू विल इंटरप्रेट द डाटा थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द थ्योरिस्ट, हाउ यू विल प्लान एंड इम्प्लीमेंट केयर मेक चेंजेस एक्सेट्रा एंड हाउ यू विल एवेलुएट द आउटकम्स। अगर आपके क्योंकि आपको जो थ्योरी कैसे प्रैक्टिस में आपके आप हेल्प करेगी, क्योंकि देर इज बहुत सारी नर्सिंग और नॉन नर्सिंग थ्योरीज हैं, लेकिन अगर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि थ्योरी जो है आपको हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं, जिसमें जो कि आपने किस तरीके से जो है थ्योरिस्ट के परस्पेक्टिव से डाटा कलेक्ट करना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई भी थ्योरी का यूज़ करते हैं तो आपको उसके परस्पेक्टिव से डाटा का जो लेना है, आपने उसके उस मॉडल के पर्सपेक्टिव से पेशेंट का लेना, ताकि आप उस प्लान कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें और चेंज कर सकें और अवेलुएट द आउटकम। फाइव क्विक स्टेप हमने देखने के कौन कौन से फॉर चूजिंग नर्सिंग। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द थ्योरी बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस इज कॉन्शियस डिसीजन टू यूज थ्योरी इन प्रैक्टिस। आपका कॉन्शियस डिसीजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है अबाउट सेलेक्टिंग अ nursing theory for practice. Number one, take out and review your personal philosophy of nursing. ठीक है, आपने अपनी personal philosophy को देखना कि what is your personal philosophy about nursing theory. Your personal philosophy of nursing is your perspective about the nursing practice that encompasses your belief, assumptions and value about the concept important in nursing too, that is nursing, health, patient and environment. जो इसके चार डोमेन हैं, आपने फर्स्ट अपनी फिलासफी के आपको कितना पता है, आपको उस थ्योरी के बारे में क्या नॉलेज है, ठीक है। जब आपका नॉलेज होगा तो आप उस नर्सिंग थ्योरी को प्रैक्टिस कर सकेंगे। आपने पर्सनल फिलासफी को चेक करना है कि वैल्यू, बिलीफ, अजम्पशंस, ठीक है, BABS जो, ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन नर्सिंग, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं ताकि हम पेशेंट को नर्सिंग को क्या करना है, हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट क्या बता रहा है और एनवायरमेंटल फैक्टर किस तरीके से इस पर अफेक्ट करें, और वो डेट और सारा जो डोमेन है, जो प्रैक्टिस है, जो मॉडल है, आपने थ्योरिस्ट के परस्पेक्टिव से चेक करना है। इसलिए आपको अपनी पर्सनल फिलासफी चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब तक आपको अपना इसका नॉलेज, इसका फिलासफी पता नहीं होगी थ्योरिस्ट के परस्पेक्टिव से, तो आप ये जो डोमेन है उसको में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्रिटिकली रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, क्रिटिकल रिफ्लेक्ट करना अपने योर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। रिव्यू योर बिलीव, अजम्पशन एंड वैल्यू फ्रॉम योर पर्सनल फिलॉसफी स्टेटमेंट ऑन क्लिनिकल नरेटिव, सो दैट यू आर क्लियर ऑन एंड व्हाट यू बिलीव एंड वैल्यू अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिस। जी, सो पर्सनल फिलॉसफी की जो स्टेटमेंट है दैट इज बेस्ड, जो कि आपको स्टोरी बता रही होती है अबाउट द बिलीफ, अजम्पशंस एंड वैल्यू, ठीक है। सो इसके बेस पे जो है हम क्या कर रहे होते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या, बिलीफ क्या है, ठीक है, प्रैक्टिसेस क्या है, अजम्पशंस क्या है,
इस पर्सपेक्टिव को हम जब समझ जाते हैं तो क्रिटिकली जो है हम उस प्रोफेशन में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिटिकली पॉइंट जब हम हमारे पास थिंकिंग होगी, हम उस प्रोफेशन के क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करेंगे और देन वी आर एबल टू प्रैक्टिस आर फिलॉसफी इन टू द क्रिटिकल इन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन योर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। स्टेप थ्री है रिव्यू द मेटा पैराडाइम कॉन्सेप्ट डेफिनेशन। तीसरा जो उसका कॉन्सेप्ट उसने कहा कि मेटा पैराडाइम कॉन्सेप्ट है। मेटा पैराडाइम मैंने आपको बताया था कि मॉडल है, जैसे पैराडाइम होता है, मेटा पैराडाइम इज अ मॉडल स्ट्रक्चर किसी चीज का। इज नर्सिंग थ्योरीज दैट यू आर ऑलरेडी सस्पेक्ट मे एग्री विद द पर्सनल फिलॉसफी, कि आपके जो थ्योरी के जो है पर्सपेक्टिव है कि आपके पर्सनल फिलॉसफी से एग्री करते। परहैप्स वन और टू यू लर्न फ्रॉम योर नर्सिंग थ्योरीज कोर्सेज, ठीक है, और रिव्यू थ्योरी दैट फिट अंडर द क्लासिफिकेशंस that fit under the classification of nursing that strike a chord with your belief, holism, healing, adaptation, energy field, use of your nursing theory text or learned internet to remind your you of theories that fit your criteria, ठीक है। सो इसमें आपने मेटा पैराडाइम कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट डेफिनेशन को लेना है, जिसमें आप ऑलरेडी ऑलरेडी थ्योरीज को जानते हैं, अपनी आपकी पर्सनल फिलॉसफी से मैच करना उसने, ठीक है। आपने वन और टू और यू लर्न मोर योर नर्सिंग थ्योरी कोर्सेज, जो आपने कोर्सेज लर्न किए उसके बारे में देखना है। रिव्यू थ्योरीज डेट आपने फिर उन सारी थ्योरीज को रिव्यू करना है कि अंडर व्हाट विच क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग थ्योरी जो इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको स्ट्राइक कर सकते हैं, लाइक होलिज्म की थ्योरी है, हीलिंग है, अडेप्टेशन है, एनर्जी फील्ड थ्योरी है। सो ये जितनी थ्योरीज है, ये थ्योरीज का जो आप नजर आ रहा होलिज्म है, होलिस्टिक अप्रोच होगी, हीलिंग अप्रोच होगी, अडेप्टेशन अप्रोच है, एनर्जी फील्ड थ्योरी, तो आपने देखना है कि कौन सी आपकी पर्सनल फिलोसफी जो है कौन सी थ्योरीज के साथ जो है वो मैच करती है, जिसकी बेस पर आप नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? ओके, चौथा स्टेप हमने डिस्कस किया, वी विल डिस्कस नाउ एलिगुड 20,014 एंड केनी इन 20,013 सजेस्टेड दैट द इनविजन प्रैक्टिस सिचुएशंस इन विच यू माइट अप्लाई योर चोजन थ्योरी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जो अपनी जो है अपने चूजन थ्योरी अप्लाई करनी है, ठीक है। अगेन यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट फिट बिटवीन द थ्योरी एंड पेशेंट और क्लाइंट सिचुएशन यू इनकाउंटर और आर लाइकली टू इनकाउंटर। विल द थ्योरी और मॉडल हेल्प गाइड फॉर नर्सिंग एक्शंस एंड प्रोवाइड द बेस्ट अप्रोच टू द पेशेंट एंड क्लाइंट, ठीक है। आपने इसमें से देखना है कि जो है कि कौन सी सिचुएशंस के अंदर है क्या थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है, नर्सिंग एक्शंस को देखना है, ठीक है, मॉडल थ्योरी को देखना है कि कौन सा मॉडल है, क्या नर्सिंग एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे और व्हाट इज द नीड ऑफ द पेशेंट और क्लाइंट। रिमेंबर देयर इज अ नो राइट वे टू प्रैक्टिस नर्सिंग, यू विल लाइक ओनली यूज मल्टीपल थ्योरीज इन your daily nursing practice and find one step fill in the gap of your own practice, ठीक है। याद रखने की ये बात है कि आपने उसने कहा there is a no right way to practice nursing, कोई खास वे नहीं है जो किसको आपको कह दे कि this way is the right way, ठीक है। सो आपके पास मल्टीपल थ्योरीज है जो कि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको क्या करने की जरूरत है, ओनली दिस डैट विल फिल द गैप ऑफ योर ओन प्रैक्टिस। आप कोई भी यूज करो वो आपकी अपनी प्रैक्टिस के गैप को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। सो हाउ डू नर्सिस यूज द थ्योरी इन एवरीडे, ऑर्गेनाइज पेशेंट डाटा, अंडरस्टैंड पेशेंट डाटा, एनालाइज पेशेंट डाटा, मेक डिसीजन अबाउट द नर्सिंग इंटरवेंशन प्लान, पेशेंट केयर, प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ केयर, अवेलुएट आउटकम, पेशेंट आउटकम। तो ये सारे जो है स्टेप्स मैंने आपके साथ प्रॉब्लम लिस्ट के, जिसमें नर्सिंग का जो है नर्सिस जो है
अपनी प्रैक्टिस में नर्सिंग थ्योरी का यूज करती हूँ। सब हम बात करेंगे हाउ डू स्टूडेंट नर्सेज बिगन टू यूज नर्सिंग थ्योरी। स्टूडेंट नर्सेज जो हैं वो किस तरह से क्या करती हैं कि थ्योरी का यूज करती हैं, बाय आस्किंग योरसेल्फ टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन है जिसके जरिए जो है आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप किस तरीके से थ्योरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन स्टूडेंट नर्सेज क्वेश्चन ये हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। किस किस्म का, किस नेचर का जो है वो नॉलेज की ज़रूरत है ताकि नर्सिंग को प्रैक्टिस कर सके। एंड व्हाट डज इट मीन टू मी प्रैक्टिस नर्सिंग, और प्रैक्टिस से, नर्सिंग प्रैक्टिस से क्या मतलब है, क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम इसके बारे में दो पॉइंट पे हम बात करेंगे। So what is the nature of knowledge needed for a practice of nursing? So what does it mean to me practice nursing? ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जिस पे हम बात करेंगे। अब सबसे पहली बात है कि हमें what is the nature of knowledge needed for the practice of nursing? ठीक है, हमें किस किस्म के जो है नॉलेज की ज़रूरत है ताकि हम नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकें। द सिस्टमेटिक एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज इज द एसेंशियल टू प्रोग्रेस प्रोग्रेस इन एनी प्रोफेशन। हाउएवर थ्योरी एंड प्रैक्टिस मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिव। सो जैसे मैंने आपको पहले भी स्लाइड में फर्स्ट में कोटेशन में बताया था कि थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज एम्प्टी एंड प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड। ठीक है, सो हमें जो है अपने प्रैक्टिस करने के लिए वो हमें हमारे पास सिस्टमेटिक एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज होना, यानी कि सिस्टम थ्रू सिस्टम जो है हमें नॉलेज को प्रोग्रेस करना है फॉर द प्रोफेशंस, ताकि थ्योरी प्रैक्टिस मस्ट, और ताकि जो इंटरेक्टिव यानी इन दोनों का जो है इंटरेक्शन, दोनों का इंटरेक्शन हो, क्योंकि एक कोई भी एक चीज़ दूसरे के बगैर, जैसे हमने एग्जाम्पल से लिखे दैट सेम टू पार्ट ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्के के दो हिस्से पहलू। ठीक है, तो इसके बगैर कोई भी दूसरा कंप्लीट नहीं, एक के बगैर दूसरा कंप्लीट नहीं होता। सो नेचर ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, तो हम नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उनको क्या क्या एरा ऑफ नर्सिंग नॉलेज, एरा ऑफ नर्सिंग नॉलेज रिसर्च एरा द 1950 सेंचुरी एंड 1970 सेंचुरी। ठीक है, इस एराज के दौरान जो है क्या क्या चेंजेस हुई हैं, तो हमें किस तरह के नॉलेज की ज़रूरत थी ताकि हम नर्सिंग को प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले नर्सिंग को प्रैक्टिस करने के नर्सिंग की अपनी नॉलेज की, पता नहीं क्या हो रहा, तस्वीर गायब हो जाती है, पिक्चर आ रही है अब। मेरी वॉइस आ रही है? ओके सिद्रा, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके नजर ने भी कह दिया आ रही, सिद्रा ने भी कह दिया आ रही। ओके ठीक है, सो हम बात करेंगे कि कौन सा नेचर ऑफ नॉलेज चाहिए टू प्रैक्टिस नर्सिंग। सबसे पहले तो हमें नर्सिंग का अपना नॉलेज चाहिए, नर्सिंग का एराज ऑफ नर्सिंग नॉलेज। ठीक है, जब नर्सिंग का हमारे पास अपना
क्योंकि किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए उसकी अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी है। सो इसका मतलब है कि एराज ऑफ नर्सिंग नॉलेज, तो जब नेचर हमें ज़रूरत पड़ी है तो इस एराज के अंदर जब नर्सिंग नॉलेज जो है जो है इंक्रीज किया गया, नर्सिंग थ्योरीज प्रोड्यूस की गई हैं जिसकी बेस पर हमने नर्सिंग प्रैक्टिस की। इसके बाद क्या था, जब थ्योरी आती है तो रिसर्च एराज आता है। ये 1950 से 1970 सेंचुरीज के दरमियान जो है, सो वीडियो ओके रोली का हजरा। सो हम बात कर रहे थे कि किस तरह का हमें ओके ठीक है। सो हमें नर्सिंग को प्रैक्टिस करने के लिए नर्सिंग की नर्सिंग नॉलेज की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद नर्सिंग नॉलेज आया तो फिर हमें रिसर्च एराज आ गया कि हमें नर्सिस कैन फाइंड द प्रॉब्लम्स के थ्रू द रिसर्च कैसे प्रॉब्लम को जो है गैप को फुलफिल कर सकती हैं, प्रैक्टिस और नॉलेज के दरमियान क्या क्या जो है गैप हैं, थ्रू रिसर्च दे कैन यू नो फाइंड द एरर्स एंड यू नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकि उन गैप को फिलफिल किया जा सके। फिर करिकुलम, और जब हमने ये चीज़ें पढ़नी थी तो देर इज़ अ नीड टू बी अ करिकुलम। सो करिकुलम एराज में 1900 सेंचुरी टू 1940 सेंचुरीज जो है ये करिकुलम एराज है। ग्रेजुएट एजुकेशन एरा आ गया जिसमें ग्रेजुएट जो थे इसमें प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशन बन गए, कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटीज बन गई 1950 सेंचुरी एंड टू द 1970 सेंचुरी। थ्योरी एराज, फिर थ्योरी एरा 19th सेंचुरी वो नर्सिंग नॉलेज आ रहा है, ये क्या है थ्योरी आ रहा जाता है। उसके बाद 1980 सेंचुरी टू 1990 सेंचुरी द थ्योरी यूटिलाइजेशन आ रहा है। 20 सेंचुरीज में हम देखते हैं कि थ्योरीज का जो है प्रॉपर यूज जो है डेट बिकम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। अब हम बात करेंगे कि एराज ऑफ नर्सिंग नॉलेज, इस एराज में क्या बिगनिंग हुई है। एज द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ड्रू नियर, नर्सिस बिगन टू एक्सप्रेस द नीड फॉर द कम्युनिकेशंस विद अदर नर्सिस टू इंप्रूव देयर प्रैक्टिस। जब 20th सेंचुरी का जो एराज आता है तो उसमें क्या जरूर कम्युनिकेशंस की जरूरत है, नर्सिस एक दूसरे के लिए कम्युनिकेट करने के लिए उनको क्या नॉलेज होना चाहिए जिससे वो अपने प्रैक्टिस के बारे में को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इट रियली ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड द दिस नॉलेज एरा दैट नर्सिस मस्ट हैव देयर ओन बॉडी ऑफ नॉलेज टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोफेशन एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस। सो साइन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस फॉर नर्सिंग मे बी द सीन इन द फर्स्ट नेशनल गैदरिंग ऑफ नर्सिंग एट द वर्ल्ड फेयर इन शिकागो in 1893 in the publications of the first editions of the American Journal of Nursing, the first national be organ of the communications for nurses in October 1900s। ठीक है, तो इस तरह के अंदर अगर हम देखते हैं, सो नेशनल लेवल पे जो कौमी लेवल पे जो एक बड़ा चेंज आता है कि नर्सिस की कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पे क्या होता है नेशनल लेवल पे एक गैदरिंग होती है जो कि कौन सी जगह, वर्ल्ड फेयर इन शिकागो 1893 के अंदर। तो जो फर्स्ट जो वहाँ पे पब्लिकेशंस हुई है जिस पे आपने देखा कि फर्स्ट एडिशन ऑफ द अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग AJN जो है, जिसको हमारे पास भी रिसाले एडिशन आते हैं, ये जर्नल्स आते हैं जिसका पढ़ा होगा AJN, ये बहुत ओल्डेस्ट एडिशन इनके आते हैं, ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन अदारा है जिसमें क्या किया गया नर्सिंग नॉलेज पे बात की गई कि नर्सिस को एक दूसरे के लिए बात करने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए देयर इज अ नीड फॉर देयर ओन बॉडी ऑफ नॉलेज, ताकि उस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस कर सके। द फर्स्ट नेशनल ऑर्गन ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर नर्सिस इन अक्टूबर और 19th सेंचुरी के अंदर ये एक प्रॉपर जो है मुल्क का ये एक पूरा हिस्सा बन गया था, यानी कि एक अजू बन गया था। So at this time, the focus was clearly on the practice, on the teaching and the practice of nursing to the student. इस टाइम के अंदर जो खास फोकस था वो किस पे था, प्रैक्टिस पे था और
टीचिंग द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग टू द स्टूडेंट, और जो टीचिंग प्रैक्टिस थी वो नर्सिंग स्टूडेंट को दी जा रही थी। देयर वाज अ रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड बॉडी नॉलेज टू गाइड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग फ्रॉम बिगनिंग। सो एट दिस टाइम क्या होता है, इस टाइम पे फोकस वॉज वेरी क्लियरली प्रैक्टिस ऑन टीचिंग एंड द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग टू द स्टूडेंट। देर वॉज अ रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज टू प्रैक्टिस नर्सिंग फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो इस एराज के अंदर जो है आप देखो कि इस नर्सिस का जो है स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज को क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। सो ए जे एन वॉज ओनली अर्ली सिंबल ऑफ नर्सिंग मूवमेंट टूवर्ड द प्रोफेशनल स्टेटस। अगर देखे तो ए जे एन जो है इज द वेरी फर्स्ट सिंबल है जिसके जरिए नर्सिंग का बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो इवॉल्व होता है। एंड अदर वॉज देर वॉज देर नीड टू कम्युनिकेट विद अदर नर्सिस अबाउट देयर प्रैक्टिस एंड अबाउट देयर अबाउट टीचिंग नर्सिंग विद द रूम ऑफ तो इसमें क्या था, एजीएन जो था वो क्या था, उनका जो अर्ली सिंबल है नर्सिंग मूवमेंट का जो आप देखते हैं, दैट देवर द बिगिनिंग बिगिनर्स टू इम्प्रूव द बॉडी नॉलेज ऑफ द इन दिस एरा। सो एन ऑथर अनदर वाज द नीड टू कम्युनिकेट विद अदर नर्सिस अबाउट देयर प्रैक्टिस एंड अबाउट टीचिंग नर्सिंग विद द बूम ऑफ द इंडस्ट्रियल। जैसे इंडस्ट्रियल एज का टाइम शुरू होता है, हॉस्पिटल बन गए, ट्रेनिंग स्कूल बन गए, ठीक है, वो फ्लरिश्ड इन एज अमेरिका ग्रू एंड द करिकुलम एरा ऑफ द 19th सेंचुरी टू 40 इज फॉलोड। इस जो टाइम के दरमियान हम इंडस्ट्रियल जो एज आती है इसके अंदर क्या होता है कि हॉस्पिटल जो थे ट्रेनिंग हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग स्कूल बन गए थे। जैसे अमेरिका ग्रू हुआ है, जैसे जैसे कंक्वेड अमेरिका ने उनको किया है, क्या नाम है, रोमन्स को कंक्वेड किया है, तो अमेरिकन आ गए, अमेरिकन ग्रू अप हुए। तो उस दौर में आपने देखा करिकुलम एरा जो होता है वो जो है वो उसका फिर आगाज हो जाता है 1900 सेंचुरी टू 1940 सेंचुरी फॉलोड। इस एराज के दरमियान जो है वो क्या होता है, सब हम बात करेंगे करिकुलम एरा। करिकुलम एराज में क्या होता है, 1900 सेंचुरी टू 1940 सेंचुरी के अंत का जो टाइम था, एरा था, वो क्या था, करिकुलम का था। इन द करिकुलम एरा एविडेंस of effort to understand what knowledge was needed for the practice of nursing led to an emphasis on the curricular content and progress hello meri awaaz aa rahi bachcho hello मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको। सो करिकुलम एराज के अंदर जो है, शुक्र पिक्चर कहाँ पे आ गई मेरी, अली हमजा ठीक है, अफरा ठीक है। सो करिकुलम एराज जो है वो किस चीज, एविडेंस ऑफ एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉलेज वाज नीडेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग लेड टू एन एम्फेसिस ऑन द करिकुलर कंटेंट एंड प्रोग्रेस टुवर्ड प्रोग्रेशंस टुवर्ड द स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलर द फोकस ऑफ This era was evident in the state activities such as 1933 Curriculum Survey of New York, okay Shanza, thank you. So the focus of this era में क्या था कि activities जो हैं जो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट है या जो बॉडी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट जो है जो सब्जेक्ट के मुताबिक उसको जो है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाए। नर्सिस नीड टू नो द प्रैक्टिस नर्सिंग लीड टू एन एक्सपेंशन ऑफ करिकुलर बियॉन्ड फिजियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजिकल नॉलेज टू इंक्लूड सोशल as sciences pharmacology and formal classes on the nursing teachers. ठीक है, तो करिकुलम एराज के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट का बताया गया कि इनका जो होना बहुत जरूरी, जैसे आपको पैथो समझनी है तो यू मस्ट नो द फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी समझ तो आपको एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट जो थे उनके मुताबिक करिकुलम में
के अंदर उसको ऐड किया जाता है, ताकि जो इनका अगर सोशल साइंसेस के अंदर नॉलेज होगा, फार्माकोलॉजी के एक्सपेक्टेशन पता होगा, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म और आल्सो अलोंग विद नर्सिंग प्रोसीजर। तो आप जो हैं आप अपने किसी भी प्रोफेशंस का बॉडी ऑफ नॉलेज को, बिकॉज नर्सिंग इज़ नॉट स्टैटिक नॉलेज, बिकॉज इट इज़ हैव बॉर्डर फ्रॉम अदर डिसिप्लिन एज वेल, बिकॉज हम इनके बहुत से मॉडल एंड थ्योरीज अपने इस नर्सिंग प्रोफेशन, जैसे बिहेवियरल साइंसेज हैं, हम वो दूसरे डिसिप्लिन से बॉर्डर करते हैं, नर्सिंग के अपने सब्जेक्ट भी हैं जिसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करके एक नर्सिंग नॉलेज लेते हैं जिसके बेस पर हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं। It is interesting to note that courses to teach content were called fundamental. आपको पता चलेगा ये कि कौन कौन से थे subject. In the term that mean basic essential and that the term is still understand in nursing education today. ठीक है, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जो subject थे कि वो क्यों ज़रूरी थे, ठीक है, और मैं एज एन इसको एजुकेशन नर्सिंग एजुकेशन क्यों समझा जाए का पार्ट क्यों समझा जा गया है। नर्सिंग प्रोसीजर वर टॉट इस करिकुलम एरा के अंदर नर्सिंग प्रोसीजर वर टॉट इन द क्लास एंड प्रैक्टिस्ड इन द लार्ज वार्ड लाइक रूम कॉल्ड नर्सिंग आर्ट एंड लेबोरेटरी। सो ये प्रोसीजर थे वो क्लासरूम में जो पढ़ाए जाते थे या प्रैक्टिस किए जाते थे लार्ज क्लास में, उसको हम क्या कहते उनको कहते थे नर्सिंग आर्ट, जो उनको लेबोरेटरी कहते थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे नर्सिंग लेबोरेटरी कहते थे, लेबोरेटरीज और रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ नर्सिंग वाज कॉमन इन दिस आर। यानी कि अगर हम आर्ट नर्सिंग आर्ट की बात करें तो आर्ट का जो कॉमन एरा वो इसमें आपको बस नज़र आएगा कि जिसकी बेस पर जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस की बेस पर प्रोसीजर जो हमें पढ़ाए जो बताए जाते थे वो एज ए आर्ट आर्ट उनको जो है, इसलिए हम कहते हैं ना नर्सिंग इज आर्ट एंड साइंस, क्योंकि साइंस है और फिर इसकी प्रैक्टिस भी है। In later decade, with the research and sciences, science of emphasis in the nursing curricula के अंदर जैसे science और जो है research का जो emphasis हुआ है, तो curricula में बहुत सारी चीज़ these rooms came to be referred as a skills or simulation lab. तो इस एराज में हम देखें तो हम इसको क्या पहले हम क्या कहते थे इसको इसका different क्या कहते थे nursing art भी कहते थे laboratories भी कहते थे, लेकिन जैसे science और research जैसे साइंस और रिसर्च का टाइम आता है करिकुला का, तो करिकुला के अंदर दिस रूम केम इनटू द रेफर्ड एज टू स्किल्स और सिमुलेशन, फिर इसका हमको स्किल लैब और सिमुलेशन लैब कहना शुरू कर दिया, यहाँ क्या हम स्किल परफॉर्म करते हैं। द चेंज सो इसको सिमुलेशन और क्या कहा गया स्किल लैब कहा गया। द चेंजेस इन द टर्मिनोलॉजी में बी रिलेटेड टू द नर्सिंग मूवमेंट into the college and university and transitions from the vocational nurse training to professional nursing, ठीक है, nursing training to professional nursing education with the emphasis on the science. फिर हम इसके बाद में देखते हैं कि जैसे ये terminology change हो जाती है, ठीक है, एक movement आती है जिसमें जो क्या है college university के जरिए जो है वो क्या नाम है उसकी ट्रांजिशन होती है एज ए वोकेशनल नर्स ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल नर्सिंग एजुकेशन जो बन गई है और विद एम्फसिस ऑफ द साइंस, साइंस की बदौलत जो है ये सारी चेंजेस आप देखते हैं, साइंस और रिसर्च की बदौलत ये सारी चेंजेस जो आप देख रहे हैं हो जाती हैं। सो नर्सिंग करिकुला जो है टॉट मोस्टली इन द डिप्लोमा प्रोग्राम इन दिस एरा बिकम द स्टैंडर्ड हैज बिकम द नर्सिस Nursing curricula taught mostly in the diploma program in this era because standardized some nurses began to seek higher education courses related to the nursing in the college and university. ये पहले तो ये डिप्लोमा वालों को पढ़ा, लेकिन ये जैसे ही आपने देखा कि ये क्या हुआ है पढ़ा जाता, लेकिन बिकम द स्टैंडर्डाइज हो गया है, जैसे ये स्टैंडर्डाइज एरा में था सम नर्सिस ने हायर एजुकेशन कोर्सेज लेना शुरू किए हैं, तो डैट द टाइम बिकम यू नो इट्स अ पार्ट इन नर्सिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एज ए हायर एजुकेशन इसको यूज किया जाने लगा। द आइडिया ऑफ डेवलपिंग नर्सिंग प्रोग्राम इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सून फॉलोड, जो इसका जो आइडिया है डेवलपिंग नर्सिंग प्रोग्राम जो है इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी बहुत जल्द इसको फॉलो किया गया। द ट्रांजिशंस ऑफ द नर्सिंग इनटू द स्कूल ऑफ द हायर लर्निंग ब्रॉट विद इट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रिसर्च एंड सब्सटेंटिव बॉडी ऑफ नॉलेज।
सो करिकुलम एरा तक हमने पढ़ लिया है, बाकी जो है हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। करिकुलम एरा जो है ये कौन सा 90 सेंचुरी टू 1940 सेंचुरी तक का ये एरा है। हम रिसर्च एरा को ना कंटिन्यू करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग? ओके रब, कैसी हो आप? ठीक हो? यार मेरी फोटो गायब होगी, पता नहीं किधर चली गई। सो लेट मी हैव अटेंडेंस, वेट फॉर व्हाइल। शुक्र करो चौथा खत्म किया, मेरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ले लो, क्यों जगह नहीं है? कोई जगह नहीं क्यों? ये